अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम, आ रही है। ओके जी। जी क्लास, हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था कल्चर को। कल्चर के हवाले से कुछ आप लोगों की कोई क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, जितना हमने इसका पार्ट कंप्लीट किया था। फरियाल, आप मुझे सुन रही हैं? आप लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? आयशा अहसन, आप मुझे सुन रही हैं? इंटरनेट का इशू है, क्या प्रॉब्लम है? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे बताइए। ठीक है, तो जिसको मैं बुला रही हूँ शायद वो सुन नहीं पा रही है। फरियाल, आप मुझे नहीं सुन रही? मारुख, आप हैं मेरे साथ? जी मैम, फरियाल, आपको मेरी आवाज आ रही जी मैम, है? मैं कब से आपको बुला रही हूँ, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रही? सॉरी मैम, वो आपने, तो अच्छा बहुत, तो इस वजह से। हाँ जी, आपने लास्ट वीक लेक्चर सुनी है? ठीक जी मैम, है जी। कल्चर के हवाले से जो मैंने चीजें बताई थी, उनमें से कोई कंपोनेंट आपको अगर पता हो कि कल्चर की फॉर्मेशन में कौन सा कंपोनेंट जो है वो जरूरी होता है? आवाज कम करो, मुझे आवाज नहीं सुनाई दे मैम। सॉरी, मुझे आवाज नहीं आ रही। फरियाल, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? जी मैम, जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हमने कल्चर का टॉपिक जब लास्ट वीक डिस्कस किया है, मैंने उसमें आपसे कुछ कंपोनेंट्स शेयर किए थे कल्चर के। उन कंपोनेंट्स में से कोई एक कंपोनेंट अगर आप मुझे बता सकें। मैम जी, आपने मैम आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। वो कल्चर के फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने, उससे बाद आपसे कल्चर के कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे, अगर कोई एक भी आपको याद हो तो। चलें, कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक बता दें, कोई अगर आपको याद है तो। मैम, उसकी कैरेक्टरिस्टिक में था कि कल्चर जो होता है वो लर्न्ड होता है। ठीक है, किस तरह से लर्न होता है? मैम वहाँ के जो स्पेसिफिक जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से लर्न करते हैं। ठीक और मैम शेयर्ड होता है ये ठीक एक और चलता है रहता है, जी। लाइक कंटिन्यूअस होता है और ठीक डायनामिक होता है। इसके अलावा एडॉप्टिव भी होता है, उसमें चेंजेस भी आती रहती हैं टाइमली। है जी। अफीफा, आप मुझे सुन रही हैं?
यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अफीफा, जिस लेक्चर में हमने कल्चर के कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे उसमें थी आप? यस मैम, मैं थी। ठीक है जी, कोई ये कंपोनेंट अगर आप शेयर करना मैम उसमें हमने वैल्यूज पढ़ी थी, जी। और उसके अलावा हम लोगों ने जो है कोई ये कंपोनेंट बताएं और उस कंपोनेंट को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि उससे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी। हाँ मैम, बस 2 मिनट में अपना रजिस्टर जरा ले लूँ। जी ले ले। यस मैम, हम लोगों ने इसके अंदर जो है सिंबल्स पढ़े थे, लैंग्वेज, जी वैल्यूज, बिलीव्स और नॉर्म्स पढ़ी थी। ठीक है जी। सिंबल्स तो कल्चर में हम किस तरह से देखते हैं, या सिंबल्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं किसी भी कल्चर की उसको फॉर्म करने के लिए? जो सिंबल्स होते हैं ये हम लोगों को डिफरेंट, मतलब ये हम लोगों के साथ जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। जिस तरह के फ्लैशिंग रेड लाइट है, मतलब हमें पता चल जाता है कि अगर रेड लाइट यहाँ पर है तो इसका मतलब है कि कोई खतरे वाली बात है। तो इस तरह से जो है वो सिंबल्स रिलेट करते हैं कल्चर से। ठीक है जी, कोई और एग्जांपल भी बताएं। मैम इसके अलावा एक एग्जांपल जो है वो हमारी विस्ट्रेस की भी हो सकती है, उसके बाद विक्ट्री सिंबल जिस तरह से होता है। जी ओके जी। बिलाल आप मुझे सुन रहे हैं? जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम, ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। बिलाल आप हमारे साथ लास्ट लेक्चर में थे। ठीक जी मैम, है जी, आप मुझे बताते हैं कोई कंपोनेंट जो आपको लगता है कि ये बड़ा जरूरी है कल्चर को फॉर्म करने में, इसका रोल बड़ा। मैम कंपोनेंट्स तो सारे इम्पोर्टेंट थे मैम। नॉर्म्स भी इम्पोर्टेंट था, लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट थी, वैल्यूज भी, बिलीव्स भी। फाइन, नॉर्म्स के बारे में कुछ अगर आप डिस्कस करना मैम चाहें। नॉर्म्स के, मैम हमने आगे दो कंपोनेंट इसके अंदर पढ़े थे, एक मॉरिस पढ़ा था और एक फोक वेज पढ़ा था ठीक है जी, जी मैम। और मैम इसके अंदर मॉरिस और फोक वेज में मैम डिफरेंस बताऊं? अगर आप बता सकें। मैम मॉरिस जो है वो बड़ा जुर्म होता है और फोक वेज छोटा जुर्म है। ठीक है तो जी, मैम इसके अंदर, मॉरिस के अंदर हम डिस्टिंग्विश करते हैं राइट और रॉन्ग के दरमियान, जी और फोक वेज के अंदर डिस्टिंग्विश करते हैं राइट और रूड के दरमियान पे। ठीक है जी, और फोक वेज के अंदर कुछ ऐसी कोई ऐसा जुर्म होता है जिसके अंदर पनिशमेंट देना जरूरी नहीं होती, लेकिन मॉरिस ठीक के है, अंदर ठीक कोई स्ट्रॉन्ग कोई बड़ा जुर्म करता है जिसके अंदर पनिशमेंट देना ज्यादातर जरूरी होता है है, जी मैम। गुड गुड, ओके जी। बिलाल ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। आप लोग भी जब क्लास में आने से पहले एक दफा थोड़ा सा रिव्यू कर लिया करें। जब वो आपका लेक्चर जो होता है वो कंटिन्यू अगर होता है, जैसे हम लास्ट वीक भी कल्चर पे बात कर रहे थे, अभी भी हमें कल्चर पे ही बात करनी है, कल्चर का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। इससे पहले जब मैंने आपको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कराया है, वो भी हमने मेरे ख्याल से 3 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट किया है। तो आप लोग तो जब एक कल्चर की कंटिन्यूटी होती है तो उसको थोड़ा सा देख लिया करें कि हमने इसमें क्या चीज पढ़ ली है और इसमें क्या चीज ऐड करनी है। क्योंकि अगर मैंने उसको कंप्लीट कर लिया होगा तो माइट बी क्वेश्चंस उस तरह से ना हो, और अगर कंप्लीट करना होगा तो आप लोगों की पहली अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होगी तो नेक्स्ट हम उसको करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी तक हमने पढ़ा है कल्चर को, उसके करेक्टरिस्टिक्स को, उसके टाइप्स को और उसके कंपोनेंट्स देखे हैं। कंपोनेंट्स में हमने बहुत सारी मुख्तलिफ चीजों का डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी पे।
पाकिस्तान एक स्टेट है जिसमें बहुत सारे मुख्तलिफ कल्चर रखने वाले लोग मौजूद हैं, उनकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं उन कल्चर्स की। फॉर एग्जांपल, जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, तो उन प्रोविंसेस के कल्चर्स जो हैं वो एक दूसरे से डाइवर्स हैं, उनके ईटिंग पैटर्न्स थोड़े से फर्क हैं, लिविंग पैटर्न्स फर्क हैं, ड्रेसिंग पैटर्न्स फर्क हैं, लैंग्वेजेस उनकी डिफरेंट हैं। तो क्या है जी, हम पाकिस्तान को ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट या एक ऐसी लैंड है जिसको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, या पाकिस्तान में मुख्तलिफ एथनिसिटीज के, मुख्तलिफ रीजन्स के लोग मौजूद हैं। जैसे मैंने अदर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में आपके साथ वो डिस्कस की हो, फ्लैग के एग्जांपल, पाकिस्तानी फ्लैग, तो वो क्या सिंबलाइज करता है? वाइट कलर नॉन मुस्लिम्स को, ग्रीन कलर मुस्लिम्स को, ठीक है जी। तो वो जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिविंग पैटर्न्स, रिलीजियस पैटर्न्स, कल्चरल पैटर्न्स मुस्लिम से बिल्कुल डिफरेंट हैं, जबकि वो एक ही टेरिटरी में रहते हैं। पाकिस्तान को अगर हम एज टेरिटरी लें, एक इलाका लें, एक एरिया लें जिसमें मुख्तलिफ तरह के लोग मौजूद हैं, जिनको विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किए बगैर ये परमिशन दी जाती है कि वो अपने कल्चर्स की प्रैक्टिसेस जो है वो परफॉर्म कर सके, या अपने कल्चर को प्रैक्टिस कर सके। ठीक है जी, कल्चर क्या है जी? जब हम उसकी एक करेक्टरिस्टिक ये कहते हैं कि कल्चर एडॉप्टिव है, कल्चर कंटिन्यूअस है, कल्चर डायनामिक है, तो इसका क्या मतलब है? इन सब चीजों का ये मतलब है कि वो डाइवर्स है, उसमें मुख्तलिफ तरह के लोग मौजूद हैं, वो चीजों को डिफरेंटली प्रैक्टिस करते हैं, और उन उस डिफरेंटली प्रैक्टिस करने में उनके अपने अपने कल्चर्स का रोल है, और उन डिफरेंट प्रैक्टिसेस में अडॉप्टिव चीजें भी मौजूद हैं। अगर आज हम अपने कल्चर को डिस्कस करें या सोचें, तो पाकिस्तानी कल्चर जो कि जिसकी आइडियोलॉजी इस्लाम है, बेसिस पे इसको एज सेपरेट नेशन और एज सेपरेट एंटिटी हमने लिया था, तो अब चूंकि हमने इस पे वेस्टर्नाइजेशन के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, उन इफेक्ट्स की वजह से हम यूजुअली सोसाइटी में देख रहे हैं कि लोगों के कॉस्ट्यूम डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू वो डिफाइंड कॉस्ट्यूम, जो कि हम कहते हैं कि ये नेशनल ड्रेस है पाकिस्तान का, फीमेल्स के लिए भी और मेल्स के लिए। मेल्स भी उससे डिफरेंट पहने हुए नजर आते हैं और फीमेल्स भी। वो क्या है जी? कल्चरल डाइवर्सिटी। बहुत दफा कल्चर आपका डाइवर्स होता है जब इसमें डिफरेंट एथनिसिटीज के लोग मौजूद होते हैं, और बहुत दफा ऐसा होता है कि ड्यू टू सोशल मीडिया, ड्यू टू ग्लोबल कल्चर, हम चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं, हमारी जिसको कहते हैं पहुंच में होती हैं चीजें, तो हम उनको अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, जो हमें अच्छा लग रहा होता है, जिसको हम लाइक करते हैं। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी मैम, हो रही है। यस मैम। ठीक है जी। सो कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है जी? इट रेफर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स अक्रॉस सोसाइटीज एंड प्लेसेस। एज देयर आर डिफरेंट सोसाइटीज, देयर आर डिफरेंट कल्चर्स। एक करेक्टरिस्टिक हमने ये भी देखी थी, कल्चर वेरियस फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर वेरियस फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी। ठीक है जी, जितनी मुख्तलिफ सोसाइटीज होंगी उनके उतने ही मुख्तलिफ कल्चर्स होंगे। कल्चरल डाइवर्सिटी इन्वॉल्व नॉट जस्ट इमिग्रेशन बट ऑल्सो सोशल क्लास। अच्छा जी, कल्चर डाइवर्स होता है जी सिर्फ इमिग्रेशन की बेसिस पे नहीं। इमिग्रेशन क्या होती है? जब हम माइग्रेट करते हैं किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में, किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, किसी अर्बन एरिया से रूरल में, या रूरल से अर्बन में, कोई एक
लाहौर का रेजिडेंट्री था, उसकी जॉब किसी पंजाब के किसी रूरल एरिया में होगी, बिकॉज इट वाज अ परमानेंट जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर में उसने ज्वाइन किया तो उसको वहां मूव करना पड़ा। तो इन सिचुएशंस में क्या था जी, उसने अर्बन से रूरल में मूव किया। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो फॉर द सेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में मूव करती हैं। तो ये क्या हो जाए कि माइग्रेशन, जब हम माइग्रेट करते हैं खुद को, तो उन बेसिस पे जो हमारा कल्चर चेंज होता है वो भी डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट है जी सोशल क्लास। सोशल क्लास किसको कहते हैं, जिसमें हमारे पास हायरार्की मौजूद होती है, सोशल पोजीशंस डिफरेंट होती हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करें हम, तो वहां पे एक मौजूद होगा कोई भी उसका चेयरमैन या हेड, उसके अंडर मैनेजर्स होंगे, एग्जीक्यूटिव्स होंगे, उससे नीचे उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, कोई सेल्स का है, कोई प्रोग्राम्स का है, कोई ट्रेनिंग्स का है, जिस तरह के भी वो ऑर्गेनाइजेशन होगी। उससे नेक्स्ट क्या है जी, उससे हायरार्की में लोग नीचे आ जाएंगे, उनके पास असिस्टेंट्स होंगे, उससे बाद उन्होंने इंटर्न्स अगर रखे होंगे, उससे बाद उनके क्लरिकल स्टाफ होंगे, ठीक है जी। तो क्या है जी, हायरार्की पोजीशन चेंज हो रही है ना, जैसे जैसे हमारी क्लास चेंज होती है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट इसको हम कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड कर देते हैं हम सोसाइटी में मौजूद लोगों को। स्ट्रेटस कहते हैं ग्रुप्स बना देना, कोई एक ग्रुप है रिच, कोई एक ग्रुप है पुअर, कोई एक है मिडिल क्लास, कोई एक है लोअर मिडिल क्लास, ये एजुकेटेड है, ये नॉन एजुकेटेड है, ये लिटरेट है, ये इलिटरेट है, ठीक है जी। सोशल क्लास जिसमें हम हायरार्की वाइज लोगों को डिवाइड कर देते हैं, सोशल क्लास की बेसिस पे कल्चरल डाइवर्सिटी दो तरह से शो होती है, हाई कल्चर एंड पॉपुलर कल्चर। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ, ये आपने याद रखने हैं कि कल्चरल डाइवर्सिटी में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक इमिग्रेशन और एक सोशल क्लास। कल्चरल डाइवर्सिटी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ए वेराइटी ऑफ कल्चरल ग्रुप्स विद इन ए सोसाइटी। एक सोसाइटी में ऊपर उसने बात की है कि कल्चरल डाइवर्सिटी, ये कल्चर्स की डाइवर्सिटी होती है जो कोई अक्रॉस सोसाइटीज हो सकती है, कि एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटीज में कल्चर डिफरेंट होता है, जबकि कल्चरल डाइवर्सिटी किसी एक सोसाइटी में डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स भी अगर मौजूद होंगे तो वो कल्चरल डाइवर्सिटी है। जैसे पाकिस्तान की मैंने आपको एग्जांपल दी, इसमें बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स के लोग मौजूद हैं, पंजाब का कल्चर, केपी का कल्चर, सिंध का कल्चर, बलूचिस्तान का कल्चर, ये सब एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है जी। कल्चरल डाइवर्सिटी इज अबाउट अप्रिशिएटिंग दैट सोसाइटी इज मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट इंटरेस्ट, स्किल्स, टैलेंट्स एंड नीड्स। इट ऑल्सो मीन्स दैट यू रिकोगनाइज दैट पीपल इन सोसाइटी कैन हैव डिफरिंग रिलीजियस बिलीव्स एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशंस टू यू। अच्छा जी, इसमें क्या कह रहे हैं जी, कह रहे हैं कि हर कोई अपना कल्चर सेट करता है, या कल्चर में डाइवर्सिटी मौजूद होती है, जब यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स होंगे, उन ग्रुप्स में डिफरेंट स्किल्स हैं, उनके डिफरेंट टैलेंट्स हैं। पंजाब में अगर हम देखेंगे तो वो यहाँ की फीमेल्स जो हैं माइट बी वो ज्यादा एजुकेटेड होंगी, तो वो ऑफिशियल वर्क्स में उनके ज्यादा इंटरेस्ट होंगे, वो स्किल्ड होंगी लैपटॉप्स गैजेट्स चलाने में, या अगर ऑनलाइन बिजनेस कुछ हो रहा है तो उसमें, एज कम्पेयर टू हमारे रूरल एरियाज में, वहां पे लोग, हमारी फीमेल स्किल्ड होंगी फील्ड में काम करने में, हमारे खेतों में काम करने में स्किल्ड होंगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अगर बाहर जाना उस तरह से लाइक नहीं करते, तो क्या है जी, वो फीमेल्स घर में कोई ना कोई हैंडीक्राफ्ट्स में इन्वॉल्व होंगी, घरों में खटगियां लगी होती हैं हमारे रूरल एरियाज में। कुछ ऐसा है जी कि कोई घरों में बैठ के अगर वो स्टिचिंग में स्किल्ड है तो वो कपड़े स्टिच कर रहे होंगे। तो क्या है जी, कल्चर डाइवर्स करता है, कल्चर फर्क हो जाता है जब लोगों के इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, उनकी स्किल्स डिफरेंट होती हैं, उनके टैलेंट्स डिफरेंट हैं, उनकी नीड्स डिफरेंट हैं।
क्या है जी, देखें हम बींग अ मुस्लिम और बींग अ पाकिस्तानी, हमारा ये बिलीव है या जो भी जिस भी रिलीजियस मेंबर होगा उसका ये बिलीव होगा कि कल्चरल पैटर्न्स जो हैं वो आपके रिलीजन की बेसिस पे सेट किए जाते हैं। हमारे पास जो हमारा कल्चर मौजूद है ये हमारे रिलीजन की बेसिस पे है। हमारे पास हलाल हराम का जो कॉन्सेप्ट है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स से जब हम दूर रहते हैं या हम रेप केसेस को पाकिस्तान में नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, पेरेंट्स को अगर बच्चे शट अप कॉल दे रहे हैं तो वो एक बहुत बुरा एक जिसको कहते हैं कि एक एक्ट कंसीडर किया जाता है। अगर बड़े बच्चों को उस तरह से ब्रॉट अप उनका नहीं कर पा रहे हैं या पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं तो ये एक बड़े नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं। किन बेसिस पे? हमारे इस्लाम में, क्योंकि हमारे पास हमारे इस्लाम में हर तरह की टीचिंग्स मौजूद हैं जिसमें हमने इंसान को एज अ होल लेते हुए कि जब वो बच्चा है पेरेंट्स ने उसको किस तरह से लुक आफ्टर करना है, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा और पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे तो उन बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टूवर्ड्स देयर पेरेंट्स। तो हर तरह से हम बीइंग मुस्लिम्स, हम जो हमारा कल्चर है हमारे रिलीजन के बेसिस पे उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जो जिसका कल्चर होगा जिस भी कंट्री का सोसाइटी का अकॉर्डिंगली उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं। जैसे इस्लाम में सेक्सुअल ऑरिएंटेशंस आफ्टर निकाह है, ठीक है जी, हमारे पास एक बाउंड्रीज सेट की हुई है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स पाकिस्तान में जो कि वो इस्लाम की बेसिस पे सेट हुआ है अलाउ नहीं है। तो इसी चीज को अगर हम यूरोप में मूव कर जाते हैं तो वहाँ वो जिस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं उसमें ये कोई बड़ी चीज नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जो कि होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। दैट्स मीन वन मेल इज फीलिंग सम गुड और पॉजिटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स मेल, दिस इज आल्सो फाइन। ठीक है जी, इसमें जेंडर का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, इसमें होमोसेक्सुअलिटी आ गई है कि अगर लड़का लड़के को अच्छा लग रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर लड़की को लड़की अच्छी लग रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, दिस इज कॉल्ड होमोसेक्सुअलिटी। ठीक है जी, तो क्या है जी कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होमोसेक्सुअलिटी हर चीज को प्रमोट कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों? अपने रिलीजियस और रिलीजन बेसिस पे जो उनके पास कल्चर सेट हुआ है। तो हम चूंकि जिस सोसाइटी में रहते हैं उनकी बेसिस पे उसके बिलीव्स उनके कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशंस हमारे दिन के मुताबिक होंगी। तो क्या है जी, कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है? ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम सोसाइटी में मौजूद जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, डिफरेंट स्किल्स हैं, वो डिफरेंट टैलेंट्स रखते हुए हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं वो कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करती हैं। इसमें हम चीजों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, पश्तून है तो उसको नहीं करेंगे, पंजाबी है तो उसको नहीं करेंगे, बलूची है तो उसको नहीं करेंगे। ऑल आर अलाउड टू हैव देयर ओन कल्चर्स। ठीक है जी, आगे है जी हाई कल्चर। जब मैंने आपसे बात की है सोशल क्लास की, सोशल क्लास हम किसको कहते हैं जिसमें हम स्ट्रेटिफाइड कर रहे हैं ये अमीर है ये गरीब है, ये पढ़ा लिखा है ये अनपढ़ है, ये बदतमीज है ये तमीज वाला है, ये बेटा है ये बेटी है। चीजों को जब हम स्ट्रेटिफाइड कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं चीजों के बीच में सोशल क्लास में, तो उसमें क्या है जी, हमारे पास है हाई कल्चर। हाई से मुराद क्या है देख लें आप, हाई बड़े लोग, एलीट क्लास। हाई कल्चर वो कल्चर होता है जो कि हमारी एलीट क्लास प्रैक्टिस करती है। हमारी एलीट क्लास कौन सी होती है? हमारे वो लोग जो कि सोसाइटी में बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे मौजूद हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स देख लें, हमारे वो लोग
जिनके पास बहुत सारा पैसा है, हमारी लैंड लेडीज, एलीट क्लास किसी भी सोसाइटी में जो होगी, उनके जो कल्चरल पैटर्न्स हैं, उनमें जो मैनर्स हैं, उनके बिलीव्स, उनके चीज़ों को एंजॉय करने के तरीके, उनकी एम्यूजमेंट लेयर एक्टिविटीज, उनके टेस्ट, उनका फूड, उनकी ड्रेसिंग, उनके प्लेइंग पैटर्न्स, हर चीज डिफरेंट होगी। तो वो जो चीजें परफॉर्म कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो हाई कल्चर में जाते हैं। हाई बड़े लोग, ये सिंपल सा आपने याद रखना है, एलीट क्लास जो कि डिस्टिंग्विश करती है हमारी पॉपुलर क्लास को, हमारी आम पॉपुलेशन को। ठीक है जी, हाई कल्चर वो कल्चर है या वो कल्चरल पैटर्न्स हैं जो कि सोसाइटी में जो एलीट क्लास मौजूद है उसको आम पॉपुलेशन से डिफरेंट करती है। उनकी जो हैबिट्स हैं, उनकी जो ट्रेड्स हैं, उनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उनके जो बिलीव्स हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, उनके जो खाना पीना, ओढ़ना सोना, हर चीज जो एलीट क्लास परफॉर्म करेगी वो उनका कल्चर है। इसके कंट्रास्टिंग पॉपुलर, पॉपुलर किसको कहते हैं? आम। पॉपुलर कल्चर वो कल्चर जो कि बड़ा फेमस कल्चर है, जो कि ज्यादा लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एलीट क्लास के बाद से जो बाकी सारी दुनिया मौजूद है, वो जो कल्चर परफॉर्म करेगी वो पॉपुलर कल्चर है। ठीक है जी, हाई कल्चर हमारे एलीट क्लास जो परफॉर्म करेंगे, और पॉपुलर कल्चर, और पॉपुलर कल्चर वो कल्चर होगा जो कि रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, जो एलीट क्लास के अलावा लोग मौजूद हैं, हम जैसे लोग, वो हमारी पॉपुलर कल्चर को परफॉर्म कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पॉपुलर कल्चर रेफर्स टू कल्चरल पैटर्न्स दैट आर वाइड स्प्रेड अमंग अ सोसाइटीज पॉपुलेशन, सच एज देयर मैनरिज्म्स, बिलीव्स, अम्यूजमेंट लेयर एक्टिविटीज, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस दैट आर वाइड स्प्रेड अमंग अ सोसाइटीज पॉपुलेशन। ठीक है जी, पॉपुलर कल्चर वो कल्चर होगा जो कि बिल्कुल, देखें इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ, जिम खाना में पीसी में मौजूद वाइन, वाइन सिंपल वाइन ले ले, वाइन की एग्जांपल ले ले, एक जो मिडिल क्लास बंदा होगा वो जो वाइन पी रहा है, माइट बी वो इतनी कॉस्टली ना हो एज कंपेयर टू एलीट क्लास, जो के जो वो बंदा 1 महीने में या 2 महीने में कमा रहा है, वो 10 मिनट में जो वाइन ले रहा है वो उसके इक्विवेलेंट है। तो क्या है जी, वो जो सारी चीजें, वो जिस जगह पे बैठ के उस वाइन को ले रहा है, उस जगह का 1 घंटे का जितना वो पे कर रहा है, वो बेचारा गरीब जो पॉपुलेशन है हमारी सोसाइटी को, शायद महीनों में भी वो आ नहीं कर पाता। तो क्या है जी, ये है चीजों के फर्क। आप अभी, आई डोंट वांट टू कोट एनी पॉलिटिकल लीडर, और आप अभी सोसाइटी की एलीट क्लास पाकिस्तान की या अदर कंट्रीज के निकाल के देख लेंगे कि उनमें कौन लोग आते हैं, और हमारी जनरल पॉपुलेशन और उनके लिविंग पैटर्न, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। हमारे झुग्गियों में रहने वाले लोग कैसे रहते हैं और हमारी डीएचए की आवाम कैसे रहती है। अब डीएचए से भी आगे मूव कर जाएं, जहां पे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स रहते हैं, कितने कितने कैनाल के उनके अपने बंगले हैं। ठीक है जी, तो क्या है, ये एक खुला फर्क नजर आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी टेक्निकल चीज होगी जिसमें आपको कंफ्यूज होंगे। हाई कल्चर वो कल्चर जो कि सोसाइटी की एलीट क्लास परफॉर्म करती है, एलीट क्लास जो कि लिमिटेड होती है, कम लोग होते हैं, उनकी जो कल्चरल सारी प्रैक्टिसेस हैं, उनके खाने से लेके उनके पहनने तक, और जहां वो जाते हैं, जिन लोगों से वो मिलते हैं, वो सब चीजें हाई कल्चर में होंगी, और जो बाकी बेचारी आवाम बच जाती है, जो कि पॉपुलेशन जिनकी ज्यादा है, जो कि
तादाद में ज्यादा हमारे पास लोग मौजूद हैं, वो जो सब कुछ करते हैं उनके सब कल्चरल पैटर्न्स पॉपुलर कल्चर में आते हैं। ठीक है जी, सब कल्चर क्या होता है? सब कल्चर कहते हैं पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में जो एक जनरल कल्चर, एक होल कल्चर मौजूद होता है, वो उन कल्चर के अंडर हम डिफरेंट कल्चर्स जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसको सब कल्चर कहते हैं। पाकिस्तान का फुल फ्लेज एक कल्चर है जिसमें एक नेशनल ड्रेस है कि शलवार कमीज एंड दुपट्टा फॉर वुमेन एंड शलवार कमीज फॉर मेल। तो क्या है जी कि जब इसको हम डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस में ले जाते हैं तो वो पंजाब वाले अपने सर पे किस तरह की टोपी पहनेंगे, बलोची किस तरह की, वो पता नहीं उसको क्या कहते हैं, बड़ी सी दस्तार या जो भी वो टोपी का स्टाइल या जो भी वो करेंगे, हमारे बलोची भाई उसको जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हमारी बलोची बहनें जो उसमें जिस तरह से खूबसूरत सा एक ड्रेस पे बहुत ज्यादा आर्ट वर्क होता है वो पहनती हैं। तो क्या है जी, ऑल दीज आर सब कल्चर इन पाकिस्तान। सब कल्चर वो एक डिस्टिंक्टिव कल्चर होता है जो कि किसी भी सोसाइटी में जो ग्रुप्स मौजूद होते हैं वो उसको शेयर करते हैं। होल कल्चर मौजूद है, उस होल कल्चर को जो जनरल कल्चर है उसको वो रिजेक्ट नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि हम इस कल्चर को नहीं मानते, उस कल्चर को फॉलो करते हुए ही वो थोड़ी थोड़ी चीजें फर्क रखते हैं। जैसे आप लैंग्वेज देखते हैं ना, चूंकि पाकिस्तान की हालांकि लैंग्वेज क्या है जी, नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, पंजाब वाले पंजाबी बोलते हैं, बलूची हमारे भाई जो हैं वो बलूची बोलते हैं, केपी वाले पश्तो बोलते हैं। क्या है जी, ये सारी हमारे सब कल्चर्स मौजूद हैं जिसमें उनकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस है। अगर पंजाब में ही मूव कर जाए, अब पंजाब के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 36, उन 36 डिस्ट्रिक्ट्स में सबका कल्चर बहुत चीजों में फर्क है। कोई अपनी शादियों पे किस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, कोई किसी तरह की कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो क्या होता है, जैसे हम पाकिस्तान इसमें पंजाब में बात करें, कोई लाहौरी है जी, कोई सरायकी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई पोठोहारी बोलता है। ठीक है, अब चूंकि मैं हूँ पंजाब से और मुझे इसका इसी का पता है कि इसमें मेरे इर्द गिर्द लोग मुझे किस तरह के थोड़े मिलते हैं। अगर कोई केपी से है तो वहां का शेयर कर ले कि वहां पे कितनी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाए, ऑब्वियसली बोली जाती हैं डिफरेंट, एक ही लैंग्वेज में डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं जिसको उर्दू में लहजे कहते हैं, कि लहजे फर्क होते हैं। अब पंजाबी बोलने के भी बहुत सारे लहजे हैं यहाँ लाहौर में, जो जिसको कहते हैं कि जो पक्के लाहौरी हैं उनका उनका बोलने का एक्सेंट फर्क होता है उन लोगों से जो कि माइग्रेट करके आए होते हैं, उनके बोलने से ही पता चल जाता है कि ये लाहौर से है। और कोई जानबूझ के ओवर होके बोले तो वो अलग बात होती है, लेकिन पता चल जाता है, चीजें आप ऑब्जर्व कर लेते हैं जब आप वहां के परमानेंट रिहायशी होते हैं। तो सब कल्चर क्या है जी, किसी भी जनरल कल्चर में सब कल्चर ऐसा डिस्टिंक्टिव, ऐसा डिफरेंट कल्चर होता है जो कि किसी भी ग्रुप में प्रैक्टिस किया जाता है, वो ग्रुप जो कि किसी कम्युनिटी में पाया जाता है। ठीक है जी, जैसे अगर आप लोग अपना कोई कोई भी अपनी कोई कल्चरल प्रैक्टिसेस शेयर करना चाहे जो कि पंजाब से बाहर हो, या पंजाब के लोगों में से जो लोग मौजूद हैं जो कि लाहौर से अदर सिटीज से हो, जो उनको लगता हो कि ये थोड़ी सी डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप लोग शेयर करना चाह रहे हो। मेरे ख्याल से नहीं करना चाह रहे। अच्छा जी, हम मॉर्निंग के साथ मेरा थोड़ा सा इसमें डिस्कस हुआ था तो वो बड़ा अच्छा एक सेशन रहा, कि वहाँ एक स्टूडेंट ने डिस्कस किया एटाबाद को लाहौर के साथ कंपैरेटिव में, तो वो कि लाहौर में किस किस तरह से प्रैक्टिसेस होती हैं या कितनी फ्रीडम होती है फीमेल्स के लिए, वहाँ पर्दा किस तरह से थोड़ा सा उसको मैंडेटरी रखा जाता है, आप वेस्टर्नाइजेशन का जो आपके ऊपर इफेक्ट्स हैं वो थोड़े से आपको छुपाने पड़ते हैं अदर एरियाज में, एक्सपेक्ट लाहौर के डेवलप डिस्ट्रिक्ट
और हमारी लाहौर या पंजाब में रहने वाली जो फैमिलीज हैं उनसे अलावा। ठीक है जी, सब कल्चर से क्या आप लोगों को समझ लगी है? सब कल्चर हमारे पास वो कल्चर है जो कि शेयर करता है कोई भी ग्रुप जो कि सोसाइटी में मौजूद होता है और उसको वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। मल्टीकल्चरलिज्म कल्चरल डाइवर्सिटी का ही दूसरा नाम है। मल्टीकल्चरलिज्म इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब ए सोसाइटी वेयर मेनी डिफरेंट कल्चर्स लिव टुगेदर। ठीक है जी, कल्चरल डाइवर्सिटी में मैंने आपसे ये बात किया कि एक सोसाइटी में मुख्तलिफ तरह के लोग रह रहे होते हैं। इट इज अ सिंपल फैक्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी लिखा भी हुआ है। ए मल्टीकल्चरल सोसाइटी कैन रिजल्ट इन पीपल फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज माइग्रेट टू वन प्लेस और एन एम्पायर कंक्वायर्स मेनी कंट्रीज। एक जगह से दूसरी जगह आते हैं या कोई भी एक एम्पायर जो है वो बहुत सारे मुल्क अपने साथ मिला लेती है। इट इज द वे इन विच ए सोसाइटी डील्स विद कल्चरल डाइवर्सिटी बोथ एट द नेशनल एंड एट द कम्युनिटी लेवल। क्या है जी, एक कल्चर में बहुत सारे लोग मिलके रह रहे हैं। आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, हमारे पास मौजूद है। नॉन मुस्लिम्स भी हैं, नॉन मुस्लिम्स में कितने तरह के लोग हैं, और अगर मुस्लिम्स में आ जाते हैं तो उनको अगर हम कास्ट वाइज देखें कितने डिफरेंट हैं, लैंग्वेज वाइज देखें, उनके एरिया वाइज डिफरेंसेस देखें जो माइग्रेट करके हमारे पास। अगर आप एक सिंपल लाहौर की एग्जांपल ले लें, लाहौर की एक यूनिवर्सिटी उठा लें, उस यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट उठा लें, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वहां पे डाइवर्सिटी मौजूद नहीं होगी। मैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल देती हूँ, वहां पे आप इंटरनेट से निकाल के देख लीजिए कि स्टूडेंट्स ने प्रमोट किया हुआ है डाइवर्सिटी को जो कि अदर एरिया से हैं। आप यूट्यूब पे सिंपल लिखेगा कल्चरल डाइवर्सिटी इन पंजाब यूनिवर्सिटी, आई डोंट नो युवास वाले इस तरह से प्रमोट करते हैं कि नहीं, बिकॉज आप लोग तो वैसे ही साइंस स्टूडेंट्स होते हो जिससे थोड़ी फर्क होती है। तो क्या है जी कि वो वहां पे जो डिफरेंट कल्चर से हमारे बलोची भाई उन्होंने अपने शो किया हुआ है जी कि हमें यहाँ आते हुए क्या फियर्स थे, क्या टेंशन्स थी, कि हम एडजस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन हमें चूंकि यहाँ आते हमने बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस किया और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो क्या है ये, ऑल दीज फैक्ट्स आर इंक्लूडेड इन मल्टीकल्चरलिज्म जिसमें मुख्तलिफ तरह के लोग आते हैं और वो एक कल्चर फॉर्म करते हैं। अब मल्टीकल्चरलिज्म में दो तरह की थ्योरीज हैं जी, एक है जी मेल्टिंग पॉट थ्योरी और एक है सैलेड बाउल थ्योरी। मेल्टिंग पॉट थ्योरी क्या होता है, देखें आप सिंपल एक चीज ये सोच लें कि आप अपने पास एक पॉट ले लें, उसको आप चूल्हे पे रख दें। ठीक है, चूल्हे पे नहीं भी रखें, आप सिंपल लें, उसमें आप चीनी मिक्स करें, नमक मिक्स करें, उसमें आप और भी कोई सॉल्युबल मिक्स कर दें, वो उसमें मिक्स हो जाएगा तो उसकी एक ही फॉर्म रह जाएगी। या सिंपल आप एक बाउल लें, उसमें रेड कलर लें, उसको मिक्स करें, ब्लू कलर मिक्स करें, ग्रीन कलर मिक्स करें, तो वो क्या है जी, सब अपनी अपनी आइडेंटिटीज खो देंगे। वो एक फुल फ्लेज हमारे सामने एक डिफरेंट से कलर का एक लिक्विड आ जाएगा। ठीक है जी, वो सब जो रेड कलर था उसने अपनी रेड आइडेंटिटी खो दी, ब्लू ने अपनी ब्लू आइडेंटिटी खो दी, ग्रीन ने अपनी ग्रीन आइडेंटिटी खो दी। बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो मुझे नहीं पता इन तीनों कलर्स पे मिलने से क्या कलर बनता है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट कि वो क्या है जी, उन्होंने अपनी आइडेंटिटीज खो दी, मेल्ट हो गए। तो इसको जब हम रिलेट करते हैं तो क्या है जी कि जब डिफरेंट कल्चर्स के लोग किसी एक कल्चर में आते हैं तो वहां पे अपनी डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज को छोड़ के खुद को मिक्स कर लेते हैं, मेल्ट कर देते हैं, मिल जाते हैं उन्हीं एग्जिस्टिंग चीजों के साथ, और एक बड़ी सी एक प्री डोमिनेंट जो वहां पे सोसाइटी होती है उसी में मर्ज कर। अब ये देखिए, ये जो सामने इमेज है जी, ये इसमें एंड पे ये जो पॉट में ये अमेरिकन बन रहे हैं, अमेरिका में कितनी मुख्तलिफ दुनिया मौजूद है, तो एट द एंड वो अमेरिकन है। डिफरेंट एथनिसिटीज के, डिफरेंट रेसिज्म और डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स के लोग, ये रशियन है, ये मैक्सियन है, ये इटालियन है, ये आयरिश है, ये चाइनीज है, तो क्या है जी, उन्होंने मेल्ट कर दिया खुद को तो वो अमेरिकन बन गए। ये देखिए,
ये भी सेम, ये फोर्ट है जी, ये अमेरिका का साइन बना हुआ है, ठीक है। तो ये अमेरिका है, इसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो वो मेल्ट हो रहे हैं, तो एट द एंड क्या बन रहे हैं, अमेरिकन। अच्छा जी, द मेल्टिंग पॉट थ्योरी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म अज्यूम्स दैट वेरियस इमिग्रेंट ग्रुप्स विल टेंड टू मेल्ट टुगेदर, अबैंडनिंग देयर इंडिविजुअल कल्चर्स एंड इवेंचुअली बिकमिंग फुली असिमिलेटेड इनटू द प्रीडोमिनेंट सोसाइटी। ठीक है जी, क्या है जी कि अपनी सारे इंडिविजुअल जो हैं उनके कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स अपने इंडिविजुअलिज्म को वो मेल्ट कर देते हैं प्रीडोमिनेंट सोसाइटी में, और उसी में खुद को एकोमोडेट करते हैं, सेटल करते हैं, खुद को उधर ही फिट रखते हैं। अगली क्या है जी हमारे पास, सैलेड बाउल थ्योरी। आप एक सैलेड की एग्जांपल लें, आप कचूमर सैलड ले लें, आप वैसे सैलड ले लें, आप क्या करते हैं जी, कुकम्बर लिया, कैरेट्स ली, रेडिश ली, आपने कॉलीफ्लावर लिया, टमाटोज लिए, अनियन लिया, सब कटिंग की, उनको मिक्स किया, ठीक है। लेकिन क्या है, एट द एंड फिर भी हमें पता चल रहा है ये टमाटर है, ये प्याज है, ये गाजर है, ये मूली है, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ मिले भी हुए हैं, लेकिन वो अपनी अलग अलग आइडेंटिटी रखे हुए हैं, ठीक है जी। ये सैलेड की एग्जांपल ले ना, आपके सामने ये सैलेड, आप तो घर में सारे खाते बनाते होंगे, चलो बनाते नहीं भी, खाते तो होगे, कि एक सैलेड बाउल में कितनी डिफरेंट वेजिटेबल्स मौजूद होती हैं, सैलेड आइटम्स होती हैं, लेकिन क्या है जी, उन सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है। शो वो एक सैलड को कर रहे हैं कि वो एक सैलड बाउल में सैलड मौजूद है, लेकिन उसमें क्या क्या है, टमाटर है, खीरा है, जो जो भी जो अपने सैलड्स में यूज करता होगा। तो क्या है जी, इससे मुराद क्या है, ये एक ऐसे लिबरल थ्योरी है मल्टीकल्चरलिज्म की, जिसमें लोग एक कल्चर में रहते हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखे हुए हैं। पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे एक कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, तो वो जो बलोची हैं अपनी आइडेंटिटी कायम रखे हुए हैं, अगर वो टमाटर हैं तो वो टमाटर हैं, सिंधी अगर रेडिश को शो कर रहे हैं तो वो रेडिश हैं, पंजाबी अगर उसमें कुकम्बर हैं तो दे आर, बट स्टिल दे आर इन सैलेड बाउल थ्योरी। ये आप ये साथ पर एग्जाम्पल देखें, इसको आप देख लें पंजाबी, इसको सिंधी, इसको बलोची, इसको गिलगित वाला, इसको पंजाब में से कोई नहीं, इसको नॉन मुस्लिम्स में से देख लें, ठीक है। तो क्या है, मौजूद है ये एक सैलेड में जो कि पाकिस्तान है, बट दे आर शोइंग देयर ओन कल्चर्स, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखे हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे जी है कल्चर शॉक। कल्चर शॉक क्या होता है, मोहम्मद बिलाल आप मुझे सुन रहे हैं, बिलाल जी मैम, आप किस एरिया से हैं, पत्तों मैं इधर पत्तोगी के पास से था, फूलनगर के पास की, से, ठीक है, गांव आप तो फिर पास से हैं। अच्छा, जी। हम यहाँ किसी की बात नहीं करते हैं, हम जनरल एक बात करते हैं, कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है जी, वो अपने कल्चर से किसी दूसरे कल्चर में जब जाता है तो उसको जो शॉक लगता है, शॉक लगता है ना, शॉक किसको कहते हैं, टेंशन, सदमा, हैरानी, इलेक्ट्रिक शॉक, या मुझे शॉक लग गया, तो वहां के कल्चरल प्रैक्टिसेस को देख के या उसको प्रैक्टिस करते हुए आप जो फील करते हैं वो होता है कल्चरल शॉक। क्या है जी, जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप किसी एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, आई एम बीइंग अ मुस्लिम, मैं अगर यूरोपियन कंट्रीज में जाती हूँ तो आई विल बी वेरी वेरी स्ट्रेस और ऑफेंसिव और शॉक्ड टू सी द गाइज हु आर शोइंग वेरी वेरी लेटेंट रिलेशनशिप विद ईच अदर, ठीक है जी। जबकि पाकिस्तान में उसी रिलेशन को जब हम सेक्सुअल ओरिएंटेशंस में लेके जाते हैं तो हम उसके लिए चीजें और तरह से प्लान करते हैं। तो क्या है, कल्चर शॉक
एक्सपीरियंस करता है कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी एथनिसिटी, जब वो अपनी एक इन्वायरमेंट से, जो कि उसकी अपनी कल्चरल इन्वायरमेंट है, वहां से जब वो किसी दूसरे में जाता है, तो जो वो चूंकि उससे फेमिलियर नहीं है उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस से, उनकी ट्रेड से, तो जो वो चीजें एक्सपीरियंस कर रहा है वो कल्चरल शॉक होता है। कल्चर शॉक इज एन एक्सपीरियंस इन विच ए पर्सन मे हैव व्हेन वन मूव्स टू ए कल्चरल इन्वायरमेंट विच इज डिफरेंट फ्रॉम वंस ओन। इट इज ऑल्सो द पर्सनल डिसऑरिएंटेशन ए पर्सन मे फील व्हेन एक्सपीरियंसिंग एन अनफेमिलियर वे ऑफ लाइफ ड्यू टू इमिग्रेशन और विजिट टू अ न्यू कंट्री और ए मूव बिटवीन सोशल इन्वायरमेंट्स। कोई एक बड़ा सोशलाइज्ड पर्सन, बड़ा एक अर्बन पीपल या शहरी लोग जब किसी गांव में जाते हैं, तो सबसे पहले तो क्या होता है जी, गांव का पानी पीने से उनका पेट खराब हो जाता है। मेरे साथ तो बहुत एक्सपीरियंस इस तरह से होता है कि अगर मैं किसी अदर एरिया में चले जाती हूँ, मुझे सबसे पहले शॉक ये मिलता है कि मेरी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। हम सब में से हम हर कोई कोई शहरी गांव में जाता है तो डिस्टर्ब होता है, कोई गांव वाला शहर में आता है तो कहते हैं यार ये कितने बेहयाल हो गए। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल जो कि हम डिफरेंट कल्चर्स को देख के सोचते हैं यार ये कैसे रह रहे हैं, ये कैसे खाते हैं, यहाँ कितनी फ्रीडम है। गर्ल्स आर टॉकिंग वेरी फ्रीक्वेंटली टू बॉयज, जबकि माइट भी रूरल एरियाज में ये कल्चर ना हो, वहां पे इसको थोड़ा सा ऑफेंसिव कंसीडर किया जाता हो। तो क्या है जी, कल्चर शॉक वो है जी जो कि आप किसी अनफेमिलियर जगह पे जाते हैं तो वहां पे जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो आपका होता है कल्चर शॉक। वो आपका सोशल एनवायरनमेंट वैसे चेंज हो सकता है, आपका आप किसी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, आप मुख्तलिफ लोगों से मिल सकते हैं। ठीक है जी, काउंटर कल्चर क्या होता है? मैं और आप कह रहे हैं मुझे ये जो कल्चर यहाँ है ना ये मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे अपना एक कल्चर बनाना है। यहाँ पे जो कल्चर मौजूद है वो चाहे पाकिस्तानी है, वो चाहे पंजाबियों का है, चाहे पश्तून का है, चाहे बलोचियों का है, मुझे ये कल्चर पाकिस्तान का एज अ होल ही नहीं पसंद। मुझे अपना एक कल्चर चाहिए, उस ये कहते हैं काउंटर कल्चर। सिरे से उसको नापसंदीदा कहना, उसको अपोज करना, ये होता है काउंटर कल्चर। पाकिस्तान की फीमेल्स अगर कहते हैं 100% के हमने शलवार कमीज को प्रमोट करना ही नहीं है, हमें ये पहनना ही नहीं है, दिस विल बी द एग्जाम्पल ऑफ काउंटर कल्चर। काउंटर कल्चर के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये मौजूद है इनलाइटनमेंट एरा में, जिसमें वहां के लोगों ने कहा कि हमें उनका जो भी बादशाह था, उनका ऑनर था, ही वॉज वेरी 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 स्टूपिड गाय, बहुत जुल्म करता था, बड़ा लोगों के साथ इनजस्टिस था, और उनको उनके राइट्स, उनके नीड्स नहीं फुलफिल की जाती थी, वेजेस बहुत लो थे, काम बहुत ज्यादा कराया जाता था, तो मोनार्की थी। ठीक है जी, उस टाइम में लोगों ने, ग्रुप्स ने, एक दो इंडिविजुअल मिले, उसे ग्रुप्स बने, ग्रुप से उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने एग्जिस्टिंग कल्चर को अपोज कर दिया। उन्होंने कहा हमें यह कल्चर नहीं चाहिए, पहले हम सोए हुए थे, हम बेवकूफ थे, वी वर ट्रेडिशनल, अब हम रैशनल हो गए हैं, हम सूझबूझ रखते हैं, अब हम कॉन्शियस हो गए हैं, हम रैशनैलिटी में आ गए हैं, तो अब हमें मोनार्की नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें हमारे राइट्स चाहिए, हम ये एग्जिस्टिंग कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करते। क्या है ये? काउंटर कल्चर।
काउंटर कल्चर रेफर्स टू कल्चरल पैटर्न्स दैट स्ट्रांगली अपोज दोज वाइडली एक्सेप्टेड विद इन अ सोसाइटी, और एक कल्चर दैट अपोज पैटर्न्स ऑफ द डोमिनेंट कल्चर इज नोन एज काउंटर कल्चर। ठीक है जी, आगे क्या है जी, कल्चरल लैग। कल्चरल लैग कब एक्सपीरियंस किया जाता है, जब कोई भी सोसाइटी है उसमें, मैंने आपको बताया है मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर दोनों पाए जाते हैं। मटेरियल कल्चर क्या है जी, मैंने एक नया मोबाइल फोन लिया है, ये मटेरियल कल्चर है, एक नई चीज खरीदी है। उस मोबाइल फोन में जितने मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, जितनी मुख्तलिफ चीजें हैं, उसको सीखते उनको जो मैं सीखूंगी वो नॉन मटेरियल कल्चर है। तो कल्चरल लैग में क्या है जी, वो कहता है कि इसमें जो मटेरियल कल्चर है वो ज्यादा आसानी से उसमें चेंजेस आते हैं एज कम्पेयर टू नॉन मटेरियल कल्चर, कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होती हैं उनको हम उतना इजीली एडॉप्ट नहीं कर पाते। पाकिस्तानी सोसाइटी में सीनियर सिटीजन्स को आप गैजेट्स पकड़ा देंगे और उन्हें कहेंगे कि आप विद इन 2 आवर्स और 3 आवर्स इसको सीखें, इसके सब फंक्शंस, तो वो हमारे सीनियर सिटीजन्स उसको नहीं सीख सकते। एज कंपेयर टू दिस, कि आप उसको किसी रेस्टोरेंट में बिठा दें और उन्हें कहें कि आपने यहाँ खाना खाना है, तो वो मटेरियल कल्चर है हमारा रेस्टोरेंट, और उसको सीखना जो है वो है नॉन मटेरियल। मटेरियल कल्चर को वो इजिली अडॉप्ट कर लेंगे, खाना तो हम घर भी खाते हैं, तो यहाँ चलो थोड़ा सा स्पून फॉक यूज करना है, तो दे ट्राई टू डू दिस। तो क्या है जी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को कैचअप करना, उनको पकड़ना, उनपे अबूर हासिल करना मुश्किल है एज कंपेयर टू मटीरियल थिंग्स। तो कल्चरल लैग क्या है, जब सोसाइटी में मौजूद कल्चर्स में से कोई एक चीज आप उतनी पूरी तरह से नहीं सीख सकते और दूसरी चीज ज्यादा सीख जाते हैं, मतलब नॉन मटेरियल थोड़ा सा कम सीखा जा रहा है, मटेरियल कल्चर में चेंजेस ज्यादा आ रहे हैं, तो वो जो फिनोमिना रेज होता है वो होता है कल्चरल लैग। एक चीज लैग कर रही है, कल्चरल लैग रेफर्स टू द फैक्ट दैट कल्चर टेक्स टाइम टू कैच अप विद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस रिजल्टिंग सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स किस तरह से क्या होंगी जी, कि हम उस तरह से सोशलाइज ही नहीं हो रहे, हमारे पास सारी चीजें हैं लेकिन हम उन नई आने वाली चीजों को उस तरह से सीख ही नहीं रहे। हमें आईटी के बहुत सारी चीजें बता दी गई हैं लेकिन हम उनमें से लिमिटेड रहते हैं, कि जो चीजें मेरे काम की है मैं वो इसी छोड़ो यार, मुश्किल है, मेरे से सीखा जाता। ग्लोबल कल्चर इज अ सेट ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस नॉर्म्स सिंबल्स एंड आइडियाज दैट यूनाइट पीपल एट अ ग्लोबल लेवल। कल्चर्स कैन एग्जिस्ट एट द ग्लोबल नेशन, ग्लोबल नेशनल रीजनल सिटी नेबरहुड सब कल्चर एंड अदर्स कल्चरल लेवल्स। ग्लोबल कल्चर क्या है, मैंने आपसे कहा है कि ये वो एक्सपीरियंसेस नॉर्म्स सिंबल्स हैं जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड होती हैं। ग्लोबली जब हम अब ये देखें, कोई भी पाकिस्तान में अदर कंट्री से पॉलिटिकल लीडर आता है तो उनको मिलने का तरीका क्या है जी, हाथ मिलाया जाता है। दैट्स मीन क्या है कि ये ग्लोबल कल्चर है, कि हर जगह ये प्रैक्टिस की जाती है, उनको वार्मली वेलकम किया जाता है। तो ग्लोबल कल्चर वो चीजें हैं, वो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं जो कि ग्लोबल लेवल पे लोगों को इकट्ठा रखने के लिए प्रैक्टिस किए जाते हैं। यहाँ पे दो चीजें मिसिंग हैं, कल्चरल रिलेटिविज्म और एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास एथनोसेंट्रिज्म का। यहाँ आई डोंट नो मेरे से कैसे स्किप हुआ है, लेट मी चेक, अगर मुझे वो मिल जाता है तो ठीक, वरना हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। आई डोंट नो कैसे स्किप हुआ है, खैर छोड़ें। ठीक है जी, अब जो जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग सोचें, मैं तब तक अटेंडेंस लेती हूँ इस क्लास की, फिर
फिर हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। हीरा, प्रेजेंट हीरा मैम। अहमद, हीरा आपके लेक्चर्स मिसिंग हैं। आप ये जो अभी हमारा 7 का लेक्चर हुआ, आप नहीं थी? मैम इंटरनेट इशू होता है इसलिए। अच्छा जी। रोल नंबर 3 फिजा, फाइव प्रेजेंट। सिक्स प्रेजेंट। सेवन प्रेजेंट। प्रेजेंट। एट, रोल नंबर 8, 9, प्रेजेंट मैम। 9 प्रेजेंट। 10, ओके जी, 10, 11, 12, प्रेजेंट मैम। 13, फोर्टीन, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट 15, प्रेजेंट। 16, प्रेजेंट 17, 19, प्रेजेंट मैम। 20, 20, प्रेजेंट। 21, 23, प्रेजेंट। 24, मैम जी हाँ प्रेजेंट है बट शी कैन स्पीक राइट नाउ। रोल नंबर 25। फाइन। 26, 27, प्रेजेंट। 28, प्रेजेंट। 29, प्रेजेंट मैम। 30, प्रेजेंट मैम। 31, मैम इसका भी माइक इशू है, प्रेजेंट है मैम। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, प्रेजेंट मैम। 39 प्रेजेंट, यस मैम। 41, 42, मैम 41 प्रेजेंट। मैम 41, 42, 43, 44, मैम प्रेजेंट है 44, और उसका माइक इशू है। ओके। 45, 46, 47, प्रेजेंट। 48, 49, 49, 50, प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। किसने बोल दिया बच्चे, रोल नंबर बोले हैं आपका? 49, 50 प्रेजेंट। ओके जी, 49 आप कहाँ थी, टाइम पे बोला करें। 51 प्रेजेंट बोला था मैंने मैम। 52 52 प्रेजेंट। 52 प्रेजेंट। 53 प्रेजेंट मैम। 54, 55, 56, प्रेजेंट मैम। 57, प्रेजेंट मैम। 58, प्रेजेंट मैम। 59, प्रेजेंट मैम। 60, मैम 60 प्रेजेंट है, उसका भी माइक इशू है। ये माइक इशूज आप लोग रिजॉल्व क्यों नहीं करते बच्चे? ठीक है जी, दो कॉन्सेप्ट्स हैं, कल्चरल रिलेटिविज्म और एथनोसेंट्रिज्म।
ये कॉन्सेप्ट स्लाइड पे मैंने नहीं लिखे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको थोड़ा आप लोगों के सामने लिख के फिर एक्सप्लेन करूंगी, करने को भी कर दूं फिर आप लोगों को शायद अंडरस्टैंडिंग ना हो पाए। तो अभी हम इसको करते हैं बंद, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं उसमें नेक्स्ट लेक्चर, तब तक आप लोग देख लें कुछ क्वेश्चन पूछना है तो सी यू देन।